भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो अपनी अनोखी विविधताओं से हर किसी को हैरान कर देता है। कहीं किसी इमारत के बनने की अजब गजब कहानी सुनाई दे जाती है तो कोई जगह अपने इतिहास को लेकर दुविधा में डाल देती है। क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसी पहाड़ी भी है जिस पर एक दो नहीं बल्कि 900 मंदिर बने हुए हैं। दिलचस्प बात तो ये है, पर्वत सनातन धर्म में इतना खास है कि यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यही नहीं, ये जगह मुस्लिम धर्म के लोगों में भी बेहद खास है। पर्वत गुजरात के भावनगर जिले के पालीताना इलाके में स्थित है। जितना खूबसूरत ये स्थान है, उतना ही बढ़िया यहाँ का नाम है। शत्रुंजय पर्वत से प्रसिद्ध इस जगह का नाम यहाँ से गुजरने वाली शत्रुंजय नदी की वजह से रखा गया है। भावनगर से इस पर्वत की दूरी करीबन 50 किलोमीटर है। आज के समय में ये पर्वत हजारों लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। हर साल यहाँ काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि इस पर्वत पर जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने ध्यान किया था। साथ ही अपना पहला उपदेश भी उन्होंने इसी जगह पर दिया था। हजारों रोचक बातों के बीच दिलचस्प चीज यहाँ के 900 मंदिर हैं जो पर्वत पर बने हुए हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए करीबन 3000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। कहते हैं जैनियों के 24 में से 23 तीर्थंकर इस पर्वत पर ध्यान लगाने आए थे, जिसकी वजह से जैन कम्युनिटी में इस स्थान को लेकर बेहद मान्यता है। संगमरमर से बने 900 मंदिरों का निर्माण 11वीं सदी में किया गया था। जानकारी के अनुसार मंदिरों की नक्काशियाँ इतनी खूबसूरत है कि देखने वाला मोहित होता है। वहीं सुबह का नज़ारा तो और भी ज्यादा हसीन है। जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती है तब मंदिर सोने की तरह चमक उठते हैं। वहीं रात में चंद्रमा की रोशनी इन्हें मोतियों की तरह दिखा देती है। Please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.